पालघर के कलेक्टर गोविंद बोड़के इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पे दोपहर में इस होटल में काफी बवाल था, विनोद तावड़े थे, एक तस्वीर आई जिसमें उनके आसपास पैसे लहराए जा रहे थे, क्या हुआ सर पूरा मामला? ये मामला अभी इलेक्शन कल है, इसके बारे में कुछ कंप्लेन हमारे पुलिस ऑफिसर या फ्लाइंग स्क्वाड को कंप्लेन आने के बाद इमीडिएटली एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस हमारे फ्लाइंग स्क्वाड रिटर्निंग ऑफिसर 132 नाला सोपारा ये तुरंत यहाँ आ गए और जो इंक्वायरी करनी थी वो तलाश किए वो विद रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरे के सामने। उसके बाद में जो पैसा मिला और कुछ सामान मिला उसके बारे में इमीडिएटली FIR दर्ज किया है। और दूसरा एक FIR पुलिस कमिश्नर मीरा भाईंदर ने जो किया है कि जो विनोद तावड़े जी और अदर कोई जो कार्यकर्ते हैं वो यहाँ के इलीगल स्टे कर रहे थे, जो कि 48 आवर्स में जब से वो कैनवेसिंग ख़त्म होता है 18 तारीख को 6 बजे कैनवेसिंग ख़त्म हुआ है, उसके बाद में जो 48 आवर्स है वो साइलेंस पीरियड रहता है, वो साइलेंस पीरियड में ऐसे बाहर के लोगों को आके ये कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने का रह नहीं सकते, इस वो यहाँ आए स्टे किए इस वास्ते उसका उसके ऊपर भी FIR दाखिल किया है। जब वो आपका फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे क्या सिचुएशन था, आपको क्या जानकारी दी? क्या तो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग का भी हमारा VVT टीम है वो भी तो उसका व्यूइंग होगा, होटल के जो CCTV रिकॉर्ड है वो भी होटल के CCTV रिकॉर्ड भी हमारे पास अभी ताबे में ले रहे। कितने पैसे बरामद किए गए सर? 9,93,500 पैसे मिले हैं और उसका FIR दाखिल किया, वो FIR में उसका डिटेल्स है। कौन कौन से कमरे से ये पैसे मिले हैं सर? 2-3 कमरों से मिले हैं, एक कमरे से? 405 और 410 410 और 416 और ये सब इलेक्शन कमीशन ने टाइमली जो एज पर गाइडलाइंस एक्शन लिया है। क्या जा रहा है कि CCTV कैमरे जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे? अभी वो पता चलेगा, पुलिस दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस, ये होटल का जो CCTV है क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों काम किए, वो जो रिकॉर्ड है तो वो प्रॉपर है कि नहीं, वही तो अभी पुलिस स्टेशन FIR दाखिल हुआ तो पुलिस स्टेशन वो पुलिस डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, लास्ट ये कि पहला FIR दर्ज हुआ है विनोद तावड़े पर जो यहाँ पे इलीगल स्टे कर रहे हैं, दूसरा FIR जो है वो जिसके नाम पे कमरा बुक था और जिसके कमरे से पैसे मिले, और तीसरा FIR इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की गई वो भी विनोद तावड़े ने ही की है और हितेन ठाकुर ने की, तो तीसरा FIR भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज हो रहा होगा? हाँ, अभी जो जिसने किया है जो कंप्लेन अभी पुलिस के पास रिसीव हुई है ये इलीगल और कौन इलीगल प्रेस लिया है और उसमें क्या कानून लग सकता है अभी इसका इन्वेस्टिगेशन के FIR दाखिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पालघर के कलेक्टर थे जो बता रहे थे कि इस मामले में 3 अलग अलग FIR जो है वो दर्ज किए गए हैं। पहला FIR जो है वो विनोद तावड़े के खिलाफ है और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ है जो यहाँ पर आकर इलीगल स्टे कर रहे थे, यानी कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होता है उससे लेकर जब तक पोलिंग खत्म नहीं हो जाती, यानी कि 48 घंटे तक कोई भी दूसरे इलाके का शख्स इस विधानसभा क्षेत्र में आकर रह नहीं सकता है, तो वो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे थे, इस वजह से उन पर FIR हुआ है। दूसरी जो FIR है उस कमरे को जिसने बुक किया था जहां से पैसे बरामद हुए हैं उस शख्स के खिलाफ हुए हैं, जिसमें राजन नाइक का भी नाम है जो कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और तीसरा FIR जो है वो दर्ज किया जा रहा है इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं थी, उसको लेकर वो FIR दर्ज की जा रही है और उसमें भी विनोद तावड़े और हितेंद्र ठाकुर का नाम है क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। फिलहाल जांच चल रहा है कि इस होटल का CCTV कैमरा बंद था या नहीं था, लेकिन रुपए जो मिले हैं वो करीब करीब 10 लाख के करीब में रुपए मिले हैं और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी गई है और इनकम टैक्स को इसकी जानकारी दी जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर पहुँचा था, जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर पैसे बट रहे हैं फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा और उसने स्थिति को देखा, यहां पर जांच की, पैसे जब्त किए। अब चुनाव आयोग का ये कहना है, कलेक्टर का ये कहना है कि आगे जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि आखिर ये पैसे किसके हैं और यहां तक कैसे पहुंचे हैं। कैमरा रवि बिंद के साथ राजेश कुमार, India TV, विरार। सर, यहाँ पे दोपहर में बड़ा बवाल था, विनोद तावड़े यहाँ पे थे, पैसे दिखाए गए, बताया गया कि वो पैसे बांट रहे थे, आप लोगों की जांच में क्या सामने आया और क्या कार्रवाई? हमारे जांच में जो सामने आया इस वास्ते वो पुलिस ने FIR दाखिल किया है, 2 FIR दाखिल हुए हैं, जो पैसा जो यहाँ होटल पे मिला है
और जो कागज मिले हैं उसका भी एफआईआर दाखिल किया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या था पूरा मामला, क्या था? तो पूरा मामला ऐसा है कि वो आके इधर पैसा बांट रहे, ऐसी कंप्लेंट थी। कंप्लेंट आने के बाद कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स एंड हमारे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम यहाँ आई और जो इंस्पेक्शन किया, जो मिला है उसके बाद में जो एफआईआर जो होता है वो दाखिल किया है। पहला एफआईआर जो बेकायदे सिर्फ स्टे यहाँ पे किया है उसका हो गया। दूसरा एफआईआर जो हुआ है तो वो जो कैश मिली है और जो कुछ दूसरा मटेरियल मिला है इसके बारे में दूसरा एफआईआर हुआ है। और तीसरे एफआईआर के बारे में बता, तीसरा एफआईआर ऐसी कंप्लेन है कि बेकायदे सिर्फ कुछ इलीगल प्रेस लिया है, ऐसा कंप्लेन है, उसका भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अभी उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। किन लोगों के नाम है? अभी एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, आपको सबको मिलेगा, बहुत सारे नाम है। पहले एफआईआर में है जो 48 आवर्स में इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आना चाहिए था इसके बारे में। और दूसरा एफआईआर जो जिस रूम से पैसे मिले हैं, उस जिसने रूम बुक किया था उसके नाम पे है। वो शख्स का नाम क्या है सर? अच्छा, अभी बताया ना जो नाम है वो आज पर होटल रिकॉर्ड, गिरीश रमेश भाई इन ब्रैकेट राजन नाइक, दीपक जगताप, धर्मेश पांड्या राजन नाइक इन ब्रैकेट, अतुल कळसकर राजन नाइक इन ब्रैकेट है, अभिजीत पेंडेकर इन ब्रैकेट राजन नाइक। टोटल कितने रूम? चार रूम बुक। पैसे कौन से रूम में मिले हैं? 405, 10 और 16। 405, 10 और 16। 9,93,500। किसके पैसे हैं, क्या इनकम टैक्स? अरे अभी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन बाद पता चलेगा कि इनकम टैक्स का भी हम रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद में पता वो फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या लिंक है उसको, वो कहाँ से आए पैसे थे, कहाँ जाने वाले थे, इसका भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे।